ओ हालेलुया 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 रीबा सिखा रबा हुलाबा रिक रबा रिक तम जयम पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम में हर एक वासिस के चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। यह चंगे हो जाए, समस्याओं से कष्टों से परेशानियों से आजाद हो जाए, बीमार इसी समय चंगे हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुलने पाए। प्रेस्ट टू जीजस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आज भोर का प्रार्थना, और जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु उनके जीवन में आरिशय क्रम कर रहा है। कल नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो लगभग 6:45 पोस्ट हुआ था, और इसके लिए आपको तकलीफ हुआ, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ वीडियो को 5 बजे पोस्ट करने का, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जितने भाई बहन लोग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं प्रभु के राज्य भोतरी के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप हमें भेंट दान दसवां डालना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसमें बीज बो सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखिए और अपने घरों में अपने जीवन में क्लेम कीजिए, और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। ओ मामा रिबा सिखा रबा रबा रिखा रबा रिक्तम जयम धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया 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 महिमा हो राजा यीशु। ओ मम रबा सिखा रबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक कुवासिस की चंगाई की छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, समस्याओं का समाधान स्वर्ग से मिलने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक अशोक के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता आपने पिता हम सबको पिता जूतों के बीच में जीत रखा, एक नया दिन दिया, नया सुबह दिया, नया समय दिया। पिता हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। दिन भर कार्य में अगुवाई कर सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं कार्यों में सहायता प्रदान कीजिए, त्राव में सुरक्षा प्रदान कीजिए, घर में कार्य करने में सहायता कीजिए या त्राव में सुरक्षा प्रदान कीजिए घर में। पिता आप इनको आशीष कीजिए पिता, और पिता ऑफिस में कार्य करने में सहायता कीजिए, रुकावटें बधाएं बंधन ईश्वर के नाम में दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो चिंताओं में आज की सुबह बैठे हैं, कुछ लोग चिंताओं में बैठे हैं, परमेश्वर उन चिंताओं के बंधन से आपको आजाद कर रहा है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को क्लेम कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। यस थैंक यू लॉर्ड। ममा रबा सिखा रबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष के चंगाई के छुटकारे के घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ऐसे क्षण हर एक समस्याएं दूर हो जाए, बंधन कष्ट परेशानियों से आजाद हो जाए, राम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो रास्ते बंद है आज के सुबह खुलने पाए, समस्याएं हैं पिता उस समस्याएं दूर होने पाए, जो समस्याएं हैं पिता उन समस्याओं को मैं इनके घरों से इनके जीवन से निकलने की घोषणा करता हूँ। आज के दिन हर एक काम सफल होने पाए, जो चिंता वाली बात इनके जीवन में भेज रही है उन बातों को मैं ईश्वर के नाम में निकालता हूँ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। आपने इनको ऐसी आशीष से दे दिया, अनुग्रह से भरपूर करिया, प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता हम प्रार्थना करते हैं, मारिया छोटी बड़ी क्यों ना हो पिता तुम्हारी क्षय क्रम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन आप डॉक्टर को दिखा के थक चुके हैं, दवाई खाकर थक चुके हैं, आप थके मांदे यीशु के पास आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ अगर आए हैं तो अंत की भरपूरी को आप लेके जाएंगे, एक सामर्थ को लेके जाएंगे, एक बल को लेके जाएंगे, क्योंकि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। संकट में आपको सब छोड़ दे, आपको सब त्याग दे, लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, वो जगत के अंत तक हमारे हाथों को पकड़कर हमें साथ ले चलेगा। ओ थैंक यू लॉर्ड हालेलुया रीबा सिखा रबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के
नाम में मैं इनको चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करता हूँ। पिता जो दवाई खाते हैं उस दवाई को मैं आशीष करता हूँ, दवाई खाते ही शरीर से मारिया बाहर निकलने पाए, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन सबको चंगाई प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। इनके अंदर तेरी सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए मारिया, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, इनके अंदर तेरी सामर्थ्य, तेरा बल, तेरा हिस्सा प्रवाहित हो जाए, वचन की शांति आ जाए पिता। हम पिता परमेश्वर जो बीमारी के शरीर में कार्य करिए उन बीमारियों को मैं यीशु के नाम में निकलने की घोषणा करता हूं। इनके अंदर बल सामर्थ आ जाए पिता, कमजोरी और दुर्बलताएं तेरे नाम से दूर होने पाए। इनके शरीर में जहां भी दर्द है वो दर्द यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, ऐसे क्षण पूर्ति से ये चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ऐसे क्षण पथरिया, गांठ, टीबी की समस्याएं, जो पेट में समस्याएं, दर्द है, यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। ऐसे समय यीशु के नाम ये पूर्ति से चंगे हो जाए। आपने सबों को चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। जो पिता निराशाएं पड़े हैं, खेत मन है पिता, प्रभु जी अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए और वचन के द्वारा पिता इनके खेत मन को इनको चंगाई प्रदान कीजिए पिता। इनके अंदर तेरी सामर्थ प्रवाहित हो जाए, हर एक निराशाएं दूर हो जाए, इनका शोक आनंद में बदलने पाए। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इनको चंगाई प्रदान कीजिए, अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसे उपयोग कीजिए। जो समस्याएं हैं, कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। यीशु के नाम में मैं पूर्णति से इसी क्षण मैं इनको चंगाई की घोषणा करता हूँ। ओम अमरावा सिख खराबा, हर एक हित मन चंगा हो जाए, इनके अंदर आनंद की भरपूरी आ जाए। जिस घर में अशांति फैली है, राजनीतिक आत्माएं कार्य कर रही है, निराशा है पिता, वहां तेरी शांति आ जाए, वहां आशीष आ जाए पिता। हर एक राजनीतिक आत्माएं दूर हो जाए, अशांति वाली बातें दूर हो जाए, अलग करते दूर हो जाए और मैं मिलाप की आत्मा इनके जीवन में प्रवाहित हो जाए यीशु के नाम में। इसी क्षण हर एक व्यक्ति आनंदमय हो जाए, ये घर आशीष भरपूर हो जाए। आपने ऐसे आशीष दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। रीबा सी खराबा, जितने भाई बहन लोग कमेंट बहुत से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे पिता, हर एक प्रार्थना को मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए। इससे क्षण पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। ओ रबा सिख रबा, हर बीमारी समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, जॉब की समस्याएं दूर हो जाए, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। जो समस्याएं पिता लिख कर भेजे पिता, हर एक समस्याओं के लिए मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। ये समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद हो जाए, इनकी प्रार्थना स्वर्ग में गहन योग होने पाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, रबा सिख रबा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में डूबे हुए पिता, हर एक कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए, कर्ज के बंधन इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। जो पिता समस्याएं हैं, कष्ट परेशानियां इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक परेशानियां ते नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम ये कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए। इनके मेहनत कमाई कहीं फंसे किसी कंपनी, किसी ऑफिस, पिता हम प्रार्थना करते पिता इनके मेहनत कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता जो पिता परमेश्वर पैसा लेके बैठा है, उसका हृदय, उसका मन तेरे नाम से परिवर्तन हो जाए यीशु के नाम में, और इनके बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। पिता आपने इनको आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के पिता परमेश्वर जिनके बच्चे हैं पिता, चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे और भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता,
उन बच्चों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी ये बच्चे तेरे दान है पिता। प्रभु जी अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन सभी बीमारियों से इनको आजादी प्रदान कीजिए पिता। प्रभु जी जो बोल नहीं पा रहे हम उनको तेरे हाथों में सौंपते पिता। उनके अंदर शब्द आ जाए, उनके गले में जो समस्याएं पिता दूर हो जाए, जो दवाई खाते दवाई को मैं आशीष करता हूँ पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे हो जाए और ये बोलने पाते नाम की महिमा करने वाले हो जाए। जो चल नहीं पाए पिता पैरों समस्याएं हैं उन पैरों में सामर्थ्य आ जाए, और चलने पाए पिता बोलने पाए और आगे चल कर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। ऐसे अनुग्रह आशीष से आप इनको भरपूर कर दीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो पिता परमेश्वर इस समय खुदावन वो पिता परमेश्वर बहुत ही समस्याओं में पड़े हुए हैं, उस समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में उस समस्याएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और रास्ते खुल जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको समस्याओं से आजाद करता हूँ। इसी क्षण विश्वास के साथ आप क्लेम कर लीजिए। हम प्रार्थना करते जितने हाथों ने अपने हाथों को आग बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डालें पिता, इन सब हाथों को बहुताय से आशीष प्रदान कीजिए। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान इनके जीवन में मिलने पाए खुदावन। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक समस्याओं से इनको मैं आज़ादी की घोषणा करता हूँ। जो घर में समस्याएं हैं पिता, कष्ट है, परेशानियां हैं, वो सब तेरे नाम से दूर होने पाए। इनके सैलरी बढ़ोतरी हो जाए, इनके खत्ते भरपूर हो जाए पिता, इनके बिजनेस पे आशीष आ जाए पिता। जो पिता रुकावटें आ रही इनके जीवन, रुकावटें दूर हो जाए। जो कमाते हैं फलवंत होने पाए, फालतू खर्चे मारी की आत्माएं जो शैतान चुरा कर ले आती है यीशु के नाम में दूर हो जाए। ये मैं तेरे नाम से आशीष की घोषणा करता हूं, जो कमाते हैं फलवंत होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम इनको ब्लेसिंग करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलता है और ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाता है। दसवां अंश आपके खत्तों पर आशीष आएगा। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको यह आशीष करेगा कि आप भी अपनी कमाई का दसवां अंश निकाले और प्रभु की आशीषों को आप प्राप्त कर ले। ये सबसे बड़ा पाप है जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं, उसके हिस्से का हम खाते हैं। हम प्रभु के कार्यों के लिए दसवां अंश निकाल कर हम दें और उसमें हमें आशीष मिलेगा। हम ये नहीं सोचे कि हमें कुछ मिलेगा देंगे तो नहीं, ये सोच कर दें कि प्रभु के राज के लिए बढ़ोतरी के लिए है। निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर कर देगा। पिता आपने इनके बंधन को तोड़ दिया, बंद रास्ते को खोल दिया, काजो खोल कर अप्रमाशिस की वर्षा आपने कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ क्रिसमस में गरीब बच्चों के लिए, जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाए पिता, उन सब हाथों को आप बहुताय से मजबूत कीजिए। अपनी महिमा के लिए आगे इनको बहुताय से उपयोग कीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए उस घर को मैं आशीष करता हूँ पिता। वहाँ रुकावटें दूर हो जाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक घटी कमी पूरी हो जाए। अब तक आपने संभाला, आगे हम सबको पंखों की आड़ में छुपा रखिए। दीभक कार्य में अगुवाई कीजिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं सुरक्षा प्रदान कीजिए। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं। शादी के सालों बीत चुके हैं, बच्चे के आशीष नहीं मिल पाई है, हम प्रार्थना करते पिता इनको आप अपनी आशीषों भरने जाए 2022 में। हम धन्यवाद करते हैं जो बाहर काम करते, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, विदेश में काम करते हैं और जहाँ भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। तनाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। हर एक बंधन कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता। जो रास्ते बंद है रास्ते खुल जाए। जिसके पास नौकरी नहीं है आप उनको जॉब से ब्लेसिंग कीजिए, यही प्रार्थना करते। जो रिपोर्ट ले जाएंगे आज सुबह पिता, हर एक का रिपोर्ट न माने पाए, दिन भर अपने पंखों की आड़ में इनको छुपा रखें। जहां काम करने जा रहे हर एक काम सफल होने पाए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद ये शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखिए, क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। कह रहा हूँ तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। हालेलुया, जितने लोग भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।